नमस्कार, मैं हूं नवनीत आचार्य न्यूज़ अब तक से। अभी हम आए हैं बिटाला स्कूल के यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे काफ़ी मतलब क्लीनलीनेस ड्राइव यानी स्वच्छ भारत अभियान, जो कि आज गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में इस अभियान को लॉन्च किया था, और इसी के तहत आज पूरे भारतवर्ष में आज ही के दिन पूरा भारतवर्ष साफ किया जाता है, हमेशा किया जाता है, लेकिन आज खास अवसर है। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा कवरेज दिखाते हैं। जी तो हमारे बीच अभी मौजूद है मरियम बीबी जी। मैम, आज के दिन के बारे में आप बताइए, मतलब काफ़ी अच्छा जो प्रोग्राम है आपने मतलब ऑर्गेनाइज किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और किस तरह से आपका यहाँ पे काम चल रहा है? जी, हम लोगों को जैसा कि आप लोग मालूम है कि स्वच्छ भारत के हिसाब से हम लोग सफाई अभियान काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे इलाकों में कई जगह में कचरा बहुत रहता है। तो हमने ये सोचा कि क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उस उपलक्ष में हमारा NGO वित्यु और हमारा ग्राम पंचायत और जो हमारे ग्रीन वॉम्स, इनका सहयोग से हम लोग एक सफाई अभियान यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक वेस्ट, बहुत सारा वेस्ट इधर पे जमा हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों को एक मैसेज हम लोग ये देना चाहते हैं कि लोगों को कि कचरा को बाहर ना फेंके। हम लोगों को जो है कचरा जो है यहाँ पे हम लोग अपना जैसे घर को साफ रखते हैं, उसी तरह हमारा बाहर सराउंडिंग्स को भी साफ रखना चाहिए। और देखिए, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारा आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ में टूरिस्ट आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे इस बमफ्लाट से लेकर जब माउंट वंटीपुर भी जा रहे हैं, नॉर्थ बे का भी अभी जो है रोड का काम शुरू हो, तो नॉर्थ बे में जा रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये हम सबका, हर सिटीज़न का ये होना चाहिए कि हम लोग अपना साफ सफाई रखें। और इसी उद्देश्य से हमने एक मुहिम चलाया, अभी लास्ट वीक भी हम लोग बमफ्लाट टट्टी के उधर में भी क्लीन करवाए थे, सारे ग्राम पंचायत 3-4 पंचायत हम लोग मिलके, हम लोग PRIs मिलके भी किया, और साथ में आज आप देख सकते हैं कि हमारे लोग सुबह सुबह 6 बजने से भी आज सब लोग के अंदर में एक उत्साह है कि हम लोगों को साफ़ करना है, अपना एरिया को साफ रखना है। तो ये इस तरह का जो जज्बा है सब में आना चाहिए, ताकि लोग सफाई की ओर ध्यान दें और हमारा हमारे एरिया को, हमारे आइलैंड को, हमारे देश में जो है कचरा, जो भी हमारा साफ सफाई है, उसके ऊपर ध्यान देके हम लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहें। और मैम, और एक चीज़ है कि मतलब सिर्फ आज ही के दिन क्यों, मतलब साल में और भी मतलब काफ़ी सारा दिन है, इसमें भी हमें करना चाहिए, क्योंकि कचरा सिर्फ एक दिन में हम साफ नहीं कर सकते यहाँ से। जी बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोगों को ये एक दिन के लिए नहीं सोचना चाहिए। देखिए, फिर भी एक आज ओकेशन है, क्योंकि गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जयंती है, और तो उनके एक मतलब उनके लिए सम्मान करते हुए हम लोग उनके याद में आज कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ये जो सफाई के ऊपर बहुत ध्यान था, और वो खुद भी जो है हमेशा श्रमदान करते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे कि सफाई रखिए। तो उनके ही इंस्पिरेशन से हम लोग सब जगह आज भी देखे साफ सफाई को और ध्यान दे रहे हैं। तो आज का दिन ओकेशन करने का वो मतलब है, अदरवाइज भी हर एरिया में जो है साफ सफाई, कोई ओकेशन नहीं देखे भी कभी भी हम लोगों को करना चाहिए, ताकि हम लोगों का एरिया सफाई रहे। और हम लोग इससे देखिए बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हमारा पहला तो डिजीजेस जो है, जो सारा जो बीमारी आता है, बीमारी नहीं फैलता। इस पर देखिए कचरा हर तरह का, प्लास्टिक वेस्ट भी है, हमारा जो जो भी खाने पीने का है, और जो हमारे कपड़े हैं, बॉटल्स है, ये सारा जमा हो जाता है, तो इससे बाद में कोई जानवर भी मरता है, तो ये सारा जो वेस्ट हमारा ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। हाँ, तो जिससे हमारा स्वस्थ में, हमारे बच्चों में बीमारी भी फैलने का ये रहता है, साथ में बड़ा गंदा दिखता है जब कचरा बहुत फैला रहता है। तो जैसा ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, इसके तहत आप देख सकते हैं कि सारे हमारे क्षेत्र के साउथ अंडमान बोलिए पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे लोग PRIs सभी मिल के काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल अपना काम कर रहे हैं, PRIs अपना काम कर रहे हैं स्वच्छता के लिए। हमारे मैं उन तमाम जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमने देखा है जब कोविड के टाइम में भी, जब हाँ फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जब बाहर नहीं निकलते थे, कोई डरते थे, फिर भी ये लोग बिना डरे वो बाहर निकल के उन लोग अपना जो है काम साफ सफाई कर
यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। तो इन सब का हम लोगों को देखना चाहिए कि उन जब उन लोग कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट हम लोग हफ्ता में एक बार श्रमदान करके भी हम सब मिलके जो है एटलीस्ट, तो जितना समय मिलता है थोड़ा देर के लिए सही, लेकिन हम लोग अपना कचरा, ताकि ये देख के दूसरा लोग भी थोड़ा प्रेरणा ले सीखे। हाँ, तो ये जो कल्चर है ये अंदर से आना चाहिए। हम लोग किसी को बाई फोर्स हम लोग नहीं सिखा सकते या फाइन लगा के नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों का सारे तरफ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये मुहिम है कि सैनिटेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए हमारा प्रशासन के हमारे मुख्य सचिव जो अभी के मुख्य सचिव है, उन्होंने भी हम लोग को जब पीआरआई का मुद्दा हम लोग को मुलाकात किया था, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन उनसे मिलता है तब उनका एक जरूर एक बात रहता है कि हमारे आइलैंड को साफ रखने के लिए आप लोग सब लोग कोशिश करिए। तो हम लोग ये भी हम लोग सब भी मिलकर देखिए, एक इंसान सोचने से तो नहीं हो सकता है। जी, जी, इसमें सारे सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हमारे हम लोग जैसे एनजीओ चलाते हैं, जो पीआरआईज होता है और एक आम नागरिक होता है, सब मिलकर अगर इसको सोचेंगे तो ये मुहिम जो हमारा मुहिम है इसको हम लोग। और मैम और एक चीज़ है ना मैम, यहाँ पे जैसा मतलब काफी सारा टूरिस्ट है वो भी आते हैं, तो अगर वो आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कूड़ा कचरा है तो एक गंदा छवि बैठता है। तो सोशल मीडिया जो है वो काफी मतलब फैला हुआ, काफी लोग यहाँ से जाके वीडियो लॉग्स वीलॉग्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं कि मतलब अंडमान में यहाँ का फूड ऐसा था, कल्चर ऐसा था और काफी मतलब जगह घूमने मिला, स्वच्छ था, मतलब कंपेयर टू बाकी जगह मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है काफी स्वच्छ है, उनका वाटर कितना सेरीन है, कितना प्योर है, तो वो एक छवि छोड़ता है वो बात भी। और इसका जो मतलब पूरा श्रेय जाता है वो हम ही सब सभी लोगों को मिलके करना होगा, कोई एक इंसान से तो होगा। हाँ, नहीं ना मैम। हाँ, जी, जी बारे में कुछ? एकदम सही बोला आपने, ये हमारे देखिए पूरा आज हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत नाम कमा चुका है। आज हमारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अंडमान का जो मेन आप बोला, क्योंकि हम लोग सराउंडेड बाई वाटर है, हर तरफ से सी बीचेस है, हमारा यहाँ टूरिस्ट जब आते बहुत पसंद करते हैं, ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री है और जो एनवायरनमेंट में हम उन लोग एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे आइलैंड में उस तरह के सुंदर हमारे बहुत सारा व्यू पॉइंट्स है। तो ये एक बड़ा छवि हम लोगों को देता है, नेशनल चैनल में भी हमारे इंटरनेशनल में भी टूरिस्ट आते हैं, तो जो ये जाके बोलते हैं कि इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड एक दूर दराज एक आइलैंड है जहाँ पे हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ के लोग साफ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और जब ये यहाँ के सुंदरता के बारे में जब बाहर जाके बोलते हैं तो बहुत अच्छा एक इमेज बनता है हमारा अंडमान का। वही जगह अगर उनका गलत इंप्रेशन अगर लेके चले गया तो ये हमारे लिए टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, और हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से काफ़ी लोग डिपेंडेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग इससे जुड़ा, कई जन को इसके पीछे रोजगार मिलता है। जी, जी। तो ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि हर लोगों का कि हम लोग इसका ध्यान दें, तो क्योंकि हमारा ये आजकल आप बोला था सोशल मीडिया बहुत जागरूक है, आप सबका हमें बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, कभी भी आप लोगों को बुलाया, आप लोग कभी भी कुछ भी स्पॉट हुआ है आप लोग ऑन द स्पॉट आप लोग पहुँचते हैं बिना देरी करें और आप लोग हाईलाइट करते हैं, जिससे क्या हो गया है कि लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी सबके पास में सोशल मीडिया व्हाट्सएप बोलिए या यूट्यूब बोलिए, हर लोग खासकर हमारे यंग जनरेशन जिसको हम लोग को बहुत ज़रूरी है सिखाना और समझाना, तो वो हमारे बीच में हमारे लोग जब इसका देखते हैं तो उनका अंदर में भी वो चीज़ भावना आ जाती है। तो हम लोग को इससे देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को यही एक मैसेज है कि हम लोग को साफ रखना है अपने एरिया को, ताकि इसका हम लोग तो सुरक्षित रहेंगे साथ में हमारा जो आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसीलिए हम सबसे हम लोग यही अपील करते हैं कि हम लोग सब सफाई की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और सबका हर इंसान का कंट्रीब्यूशन होने से हमारा आइलैंड साफ हो सकता है। और देख सकते हैं मैम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि आपने कहा यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे देखिए, छोटे बच्चे हैं, मध्यम वर्ग उम्र के लोग भी हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे क्लेनलीनेस ड्राइव में मतलब हिस्सा ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा, यहाँ पे छोटे बच्चे को यहाँ पे अभी टी शर्ट पहनाया जा रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3। आपका नाम? वीए मोहम्मद आमिर। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करने आओ? कचरा साफ करने। आपने किया कचरा साफ? चलो बहुत अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं और मतलब यहाँ का जो भी कूड़ा है वो साफ कर रहे हैं। मैं कैमरामैन शाहिद जफर के साथ नवनीत। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।